हमने एक भागचंद नाम का आदमी, जिसकी उम्र 55 साल है, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, उसको हमने 25 पेटियां शराब के साथ कर रहे हैं। यहाँ से शराब की पेटियां ले जाके हिमाचल में वहाँ जो इंटीरियर में गाँव है वहाँ पे सप्लाई करता हूँ। ये ऑटो चलाने का काम करता है, ये वहाँ से सवारी ले जाता है, सवारी की आड़ में वापसी में जाता हुआ यहाँ से शराब की पेटियां ले जाता। ये भी अंदर आगे जाकर पंचकूला के आगे इंटीरियर में गाँव है होल्डिंग साइड में वहाँ पे जाके शराब लेके करता है। मनीमाजरा थाना की टीम्स को बड़ी सफलता मिली है। हमने एक नाम भागचंद नाम का आदमी, जिसकी उम्र 55 साल है, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है, उसको हमने 25 पेटियां शराब के साथ पकड़ा, जिसमें आधी शराब देसी है आधी अंग्रेजी है। तो ये ऑल्टो कार 30 के पास हिमाचल नंबर की, इसने यहाँ से शराब की पेटियाँ ले जाके हिमाचल में वहाँ जो इंटीरियर में गाँव है वहाँ पर सप्लाई करता था। चंडीगढ़ में शराब के रेट सस्ते होने के कारण ये यहाँ से ले जाके अंदर वहाँ पर महंगे दामों पर बेचता था। तो सर महंगी शराब थी या कोई देसी? नहीं, ये देसी शराब है और जो चीप ब्रांड की शराब होती है वो है। और दूसरे केस में हमने लड़के को पकड़ा है, मनु सन ऑफ पप्पू, ये खड़क मडौली गांव का रहने वाला है, हरियाणा में पंचकूला के पास है जी। ये ऑटो चलाने का काम करता है, ये वहाँ से सवारी लेके आता है, सवारी की आड़ में वापसी में जाता हुआ यहाँ से शराब की पेटियाँ ले जाता है। इसको हमने आज 5 देसी शराब की पेटियों के साथ पकड़ा है। ये भी अंदर आगे जाके पंचकूला के जो आगे इंटीरियर में गाँव है मोरनी साइड पे वहाँ पे जाके शराब बेचने का काम करता है। तो सर वैसे और भी कुछ काम करता है ये? नहीं, अभी तक इनका ऐसा कोई काम सामने नहीं आया, बस ये सुबह एक बार सवारियां लेके उसकी आड़ में आते हैं और फिर जाते वक्त यहाँ से गाड़ी में पेटियां। अगर इन दोनों की बात करें तो कोई प्रीवियस रिकॉर्ड भी है इन दोनों के ऊपर? हाँ, जो मनु है इसके खिलाफ पंचकूला में ऑलरेडी एक पर्चा दर्ज है और जो दूसरा हिमाचल का है उनकी अभी हमने हिमाचल पुलिस उसका रिकॉर्ड मांगा कि अगर उसकी प्रीवियस कहीं किसी केस में इन्वॉल्वमेंट है तो हमें बता दें। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।